हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मुना कहती है होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है मेरा पारण और अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 12:30 होने जा रहे हैं, तो क्योंकि मैं सारे काम सोची थी निपटा लूँ उसके बाद ही बैठूँ, बिकॉज पहले खा लो तो फिर उसके बाद मुझे कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो आज बेडशीट भी धुल दिया है मैंने, तो इसी तरह से गद्दा देख रहा है। अभी मैं चेंज करूँगी, लेकिन पहले अब कुछ खा लूँ। तो सारी तैयारी कर ली है, तो चलिए मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है। यहाँ ये मैं आलू चने की सब्जी पीछे से पीती दे रहे हैं। आज पकौड़े बहुत सारे बना लिए हैं। ये मेरी प्लेट हो गई है रेडी और यहाँ पे है मेरी चाय। तो ये जो होता है ना, ये गर्म पानी से आज के दिन हम लोग इसको निगलते हैं। पहले इसको लेंगे, फिर उसके बाद मैं एनर्जी के लिए बादाम लूँगी बाद में, फिर पकौड़े और चाय, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। चाय बहुत सारी बनाई है क्योंकि आज मुझे कई बार चाय पीने का मन करता है, तो इसके जस्ट बाद में एक बार पीऊँगी फिर मन करेगा पीने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा बिकल दे रहा है, तो चलते हैं रूम में। जैसे ही मैं लेकर बैठी, मिकी का फ़ोन आ गया। वो सभी परेशान रहते हैं, मम्मा क्या कर रही है। तो बस अब ये मेरा रेडी हो गया है चाय पानी, और इतने बड़े वाले गिलास में लिया मैंने गुनगुना पानी। गुनगुना पानी से थोड़ी राहत मिलती है। सबसे पहले इन्हें निगलना होता है ना, ये ऐसे। ये अपना खाने पीने के बाद मिट्टी का पैन कार्ड आ गया है, अभी जैसा आया है उसे ओपन कर लें, उसको फोटो भेजना है। पता नहीं क्या क्या करना है, उसको काम है। आज बनाई है बिल्कुल डिफरेंट टाइप। आज बनाई है एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की भिंडी, बहुत ही ज्यादा यम्मी दिख रही है, और खाने में जो भी चीजें डाली है उसके अकॉर्डिंग बहुत टेस्टी होगी। तो ये रही मेरी भिंडी, ये देखिए देखने में कितनी यम्मी दिख रही है। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में डाली है, और मे बी मैं इसमें भी डाल दूँ। और मैंने इसे टेस्ट भी कर लिया, बहुत टेस्टी लग रही है। ये आ गया मेरा पूरा मील, बेसन मसाला भिंडी, और ये रेसिपी है मीठी की। ये जो रेसिपी है ना, ये मीठी की रेसिपी है, मीठी से मैंने सीखा है। तो आप भी घर पर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी देख लीजिएगा शॉर्ट्स में जाकर। अगर मैं इस वीडियो में एडिट कर पाई तो वीडियो में भी डाल दूँगी। ये आइसक्रीम आई थी जब मेरे देवर देवरानी आए थे, तो वो लोग कहीं से आए थे घूम कर, तो वहाँ से लेकर के आए थे कुल्फी। सबने खाई बट मैंने नहीं खाई, मैंने अपनी फ्रिजर में रखवा दी। और कृषि डेली पूछता था मम्मी तुम कब खाओगे, उन लोग को गए इतने दिन हो गए। आज मैं ही निकाल ली हूँ, थोड़ा खा लूँ, कृषि को भी थोड़ा खिला दूँगी। तो आज मैं उसको खा रही हूँ, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मुझे जब तक एकदम वो होता है ना, मन ना एकदम पेट खाली हो, कुछ भी ऐसा कुछ ना हो, तभी मैं खा सकती हूँ। ऐसे ज़बरदस्ती किसी भी टाइम कुछ भी खाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। कृषि को भी बुला लूँ, नहीं तो कृषि लो जान निकल गई तुम्हारी। इतना सारा कपड़ा रखा है, वो सब फोल्ड कराने में हेल्प करोगे ना? नहीं। क्या बोले हो? नहीं, नहीं करना पड़ेगा। फोन की लाइट जल रही है सर आपकी। अरे यार चाबी ढूंढ रहे। चाबी फोन में बेटा नहीं मिलेगा। अरे यही, अरे रोड पे कहीं देखो गिरा होगा इधर उधर। इसमें लाइट क्यों नहीं चल रही है? मिल गया? नहीं, वो देखने। वाओ, फोन के अंदर नहीं मिलेगा ना, फोन में खोजते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। हर चीज तुम फोन के अंदर खोजते हो, थोड़ा सामने भी नजर घुमा लिया करो इधर उधर। डेकोरेशन में मेरा बेटा जा रहा है गाड़ी धुलाने। बाबू कहाँ जा रहे हो? गाड़ी धुलाने, घूमने। कभी कभी हमेशा प्रिपेयर, हमेशा प्रिपरेशन के साथ काम नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे शॉर्टकट में ही इसी में डरे ऑयल में मिर्ची काट दी, प्याज छील के रखा था साफ करके डाल दिया। क्योंकि कभी कभी इंसान हड़बड़ी में रहता है, हबड़ तबड़ काम होता रहता है किचन में। जरूरी नहीं कि पूरा प्रिपेयर करके ही करो। तो मेरा काम ऐसे भी हो जाता है, मैं जल्दी 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 जल्दी, तो प्याज को मैं ज़्यादा नहीं खोल रही हूँ, मैं आलू गोभी बना रही हूँ। तो पहले आलू को मैं थोड़ा सा पकाऊंगी केवल नमक डाल के, तो प्याज भी उसके साथ गल जाएगा और ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी की थोड़ी बनेगी। और हल्का सा ऐसे बस गोभी को सेक दिया है, तला नहीं है मैंने, बिकॉज ऑयल तो बहुत कम पड़ रहा है ना घर में, इसलिए। और इसमें हल्का सा डाल देती हूँ नमक, जरा सा इसमें नमक डाल देती हूँ। मैंने बताया नहीं मैं डिनर बना रही थी, और बीच में ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हुई, जो
जो दिन सुबह हुआ था वही हुआ था। और मीठी की भी खबर ठीक है, मीठी ठीक है। उसको जो मैंने यहाँ से ठेकुआ भेजा था उसको ठेकुआ पसंद आया। एक्चुअली बहुत हड़बड़ी में ठेकुआ बना के भेजा था, आटा उसी दिन का रखा हुआ था और ठेकुआ मैंने जल्दी जल्दी बनाया क्योंकि तुरंत भेजना था। थोड़ी देर में ले जाके डाइनिंग टेबल पर फैला दिया, पंखे में जल्दी जल्दी सुखाया। वीडियो नहीं बना पाई, हर वक्त हर चीज़ का वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है कि जब आप हाउस वाइफ को पूरा हर चीज़ करना होता है तो ध्यान भी नहीं आया, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई। ढक देंगे तो कोई कोई चीज़ मिस हो ही जाती है वीडियो में कि कभी कभी लगता है अरे इसका वीडियो बनाना चाहिए था, रह गया, नहीं बन पाता है कभी कभी। ये रोटी काली काली इसलिए दिख रही है बिकॉज हमारे यहाँ वो वाली आजकल रोटी बन रही है ना, फाइव ग्रेन। बाद में हमने गेहूं का आटा भी मिलाया, वैसे वो तो बहुत मल्टी ग्रेन। अरे भाई मल्टी ग्रेन आटा, इतना अंग्रेज की औलाद मत बनो ना। चलो ये दादी को लेके जाओ फटाक से भोजन, और सलाद वहाँ से ले लेना, टेबल पे रखा है, टेबल पे सलाद रखा है।